हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें सीओ वर्ल्ड चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करें सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीओ वर्ल्ड। आज का टॉपिक है हमारा, जो आपके GSTR 1 और 3B में ड्यू डेट्स चेंज हुई हैं उनको कब कब आपको फाइल करना है, 1 को और 3B को, वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ड्यू डेट्स का एक चार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो को दिखा रहे कि जो आप अगर मंथली और या QRMP स्कीम से, तो आपको कब का फाइल करना है। जो मंथली स्कीम में थे वो 11th मई 2021 को फाइल करने वाले थे, अब जो एक्सटेंड हो गई है उसकी डेट वो हो गई है 26th मई 2021। इसी तरीके से QRMP स्कीम वाले पहले 13th मई 2021 को फाइल करने वाले थे, अब जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो होगी, वो उनको आप फाइल करना है 28th मई 2021 को। तो सेकेंड आपको यहाँ पे आ रहा है, जो फाइलिंग कर रहे थे कंपोजिशन स्कीम से या फिर TDS एंड TCS के टैक्स पेयर्स थे, GSTR 4 to 8 तक, उन सब का जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया है वो कर दिया गया है 31st मई 2021। तो ये सारी चार्ट था आपको, जो आपको फॉलो करना है इस अप्रैल की रिटर्न के लिए। तो सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे GSTR 3B में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कब कब आपको ये फाइल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है वेवर ऑफ द इंटरेस्ट एंड द लेट फी। खाली आपको कुछ जगहों पे वेवर मिले हैं लेट फी के, एंड द वो जो फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ द मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस के हैं, एंड जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उन सब के लिए क्या क्या राहत मिली है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नीचे की और, रिलैक्सेशंस ऑफ टू नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए जो GSTR 3B के हैं मंथली पीरियड के। तो जो मंथली में है मार्च के, पहले तो फर्स्ट आपको मार्च दिखा रहा है, जो मार्च के बाद अब मार्च निकल चुका है तो मार्च तो आप एक तरीके से छोड़ ही दीजिए। सेकंड जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, उनको जो 3B है वो 20 मई 2021 को ही फिल करनी है, उनके लिए कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। और अगर वो फर्स्ट 15 डेज बाद अपना अगर 3B फाइल करते हैं तो उन पर 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एंड आफ्टर 15 डेज बाद वो करेंगे तो उन पर 18% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 4 जून का जो डेट है वो किसके लिए हो रहा है, एक्चुअली जो अप टू 5 करोड़ वाले हैं, अगर अप टू 5 करोड़ से उनकी भी जो 3B है वो 20 मई 2021 है, बट जो फर्स्ट 15 डेज है उसमें उनको जो इंटरेस्ट है वो नील लगेगा। अगर आप 20 से 15 दिन का टाइम अगर आप कैलकुलेट करते तो 4th जून 2021 होगा, उस बीच आपका फिर 2B जनरेट हो जाएगा और आपकी जो 3B है वो ऑटो जनरेट हो जाएगी, और जिसमें आप उसका इनपुट का क्लेम ले सकते हो। तो इसलिए आपको जो अप टू 5 करोड़ वाले, मोर देन 5 करोड़ वाले जो हैं, उसका 4 जून का लेट फी इसलिए कि अगर आप 4 जून के रहने का टाइम वेट करेंगे 2B के जनरेट होने का, तो उसमें आपका फिर 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी जो लेट फी वो नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो इनका मोर देन 5 करोड़ है टर्नओवर, वो 20 मई 2021 तक ही अपना जो GST 3B फाइल कर दें, बट जो वाले हैं उनको थोड़ा वेट कर लें तो ठीक है। तो सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब जो QRMP स्कीम से हैं और जिनको 3B फाइल करना है, तो उसका फर्स्ट जो देखेंगे मार्च, तो अब उनका निकल ही गया तो उसका भी टाइम पीरियड ऑफ हो चुका है। अब तो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में यह है कि उनको जो उनका लेट फी, वो जो अपनी फाइल करेंगे वो उनकी जो ड्यू डेट है वो 25 मई 2021, और इसमें जो आपको नील बता रहा है वो फर्स्ट 15 डेज का अगर आप बाद 3B फाइल करेंगे तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आफ्टर 15 डेज बाद आप फाइल करेंगे तो उसमें 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एंड 31st मई आउटवर्ड करेंगे तो उस पर 18% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बट आपके पे जो लेट फी है वो आप पे नहीं लगेगी बट इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा। तो इसलिए आप, आई होप कि आप जो 3B है QRMP स्कीम वाले, वो भी 25 मई 2021 तक ही फाइल कर दें। आप कोई भी 2B के जनरेट होने का वेट ना करें, जो आपके ITC बुक में दिखा रहे हैं उसके थ्रू ही आप अपना क्लेम कर लें इस बार ITC, और उसके हिसाब से आप अपना बना सकते। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई मैं कुछ ही टाइम में दे दूँगी, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए नीचे जो मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है उस पर फॉलो करें।